और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पुत्र की रचना करता हूँ। और प्रजापिता को बोला है कि प्रजापिता मेरा बच्चा भी है और मेरी बन्नी भी है, राम वाली सोल को प्रजापिता बना के उसका उसको बच्चा भी बनाता है और उसको बन्नी भी बनाता है। तो राम वाली सोल बन्नी कैसे हुई? राम वाली सोल तो पाप होना चाहिए, प्रवेश करके उस शरीर के ऊपर, शरीर को जो कंट्रोल करता है उसको, बन्नी को कंट्रोल कर ले, बन्नी को कंट्रोल कर लेता है, बराबर मन को कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो राम वाली सोल बन्नी हो गया, बन्नी नहीं बोला है मेरे, और किसी के लिए हो या न हो, शिव के लिए बन्नी जरूर, शिव का वो शरीर बन जाता है, शरीर हो गया तो बन्नी हो गई। आप कैसे नहीं सुनते हैं ना, मैं कैसे से यार, मैं मुर्गियों के ऊपर अध्ययन करता हूँ, जो मुर्गियाँ आप पढ़ रहे हैं ना, मुर्गियों में गड़बड़ हो गया है, पर सब ओरिजिनल मुर्गी है, ओरिजिनल आप जितनी भी ओरिजिनल निकाले आप ब्रह्मा बाबा के समय की क्यों निकाले, पहले की क्यों निकाले, आप उसको डेली करिए, उससे बाबा की बोली हुई बाढ़ बहुत माता ने क्या बताया बाबा कैसे नहीं सुनते, सुनते भाई ने बताया कि हम मुरली पढ़ते हैं तो मुरली गाइए, मुरली में मुरली माने जो मुख से चलाई जाए, लेकिन किसके मुख से चलाई जाए, बाप टीचर सदगुरु जो इस धरती पर सबसे जाति श्रेष्ठ परमधाम की बात है या यहाँ की बात है, तो ब्रह्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संसार में नहीं माना जाता, सुनो तो ब्रह्मा जो है श्रेष्ठ नहीं है, वो तीन तबकों में भी सबसे नीचे रखा हुआ है, बोला शब्द ही जाहिर करता है कि दुनिया में जो भी पाठधारी है हीरो पाठधारी है, हीरो पाठधारी है वही श्रेष्ठ, तो उस श्रेष्ठ की मत पर चलना माना कीमत, मुरली जो थर्ड क्लास बोली नहीं है, अगर अगर मुरली से ही सबको प्राप्त ग्राफ्ट कर ले तो फिर राम वाली आत्मा तो आपकी बुद्धि खोलता है ना, वो संघर्ष करता है बुद्धि खोलने के लिए, राम वाली आत्मा ही बुद्धियों बुद्धिमानों की बुद्धि है, नहीं 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 हमारा मतलब ये है जब एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार स्वीकार कर लिया कि यही शिव बाबा है साकार, आप कह रहे नहीं आगे होगा तब हम मानेंगे, नहीं मैं तो उसको अभी मानता हूँ, राम वाली आत्मा श्री बाबा मेरे लिए, आपके लिए नहीं है वो सभी के लिए है, तो जिसके बुद्धि बन करके चल रहे, क्योंकि मैं बिजली को देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो राम वाली सोल के प्रति, तो मुरली को एक मुरली में बोला है कि लेकिन उसी का प्रूफ दे रहा ना बाबा, मुरली ने बोला है कि मुरली तुम एक बार पढ़ के फेंक देते हो, ये तो सात आठ बार पढ़नी चाहिए, अगर खड़का चीज है तो मुरली में ये माँ बाप क्यों आया, आपने मुरली की व्याख्या को पढ़ा पकड़ा ही नहीं, मुरली किसको कहा जाता है बात करो, तो मुरली कौन सी मुरली है जो सात आठ बार पढ़नी चाहिए, जो मुख से बोली जाती है डायरेक्ट वो है मुरली, और वो जब कागज में पढ़ी जाती है तो मुरली रह ही नहीं जाती, तो जो मुख से मुरली जाती है फिर वो बोलना चाहिए कि सात आठ बार सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्यों बोला वो उनके लिए बोला जब तक पाठ डिक्लेयर नहीं हुआ, होता है उनसे बोला वो मैंने उस समय जिस समय बोला उस समय पाठ डिक्लेयर नहीं हुआ, जब पाठ डिक्लेयर हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, पढ़ने वाली बात ही खत्म, जब बोल दिया ये थर्ड क्लास माल है, बार पढ़ के ये मंथन निकल के अमृत लिखा, ये थर्ड क्लास माल है बोले बोल दिया, ये थर्ड क्लास माल टैप रिकॉर्ड सुना, सेकंड क्लास है सन्मुख सुना वो पढ़ता, तो हाँ हम आपसे सन्मुख सुनने के अधिकारी नहीं है, हर महीने आता है, लास्ट मंथ नहीं आया और उसके लास्ट दो महीने से नहीं गया, क्योंकि एक महीना बैंगलोर था, ये भाव पक्का होता चला जा रहा है, कागज की मुर्गी से ही सब प्रयास हो रहा है, बाबा राम वाली आत्मा ने अपना पार्ट कागज की मुर्गी से पहचाना ही नहीं सकता,
आदत होगी से नहीं पहचाना, जिसकी याद से जो निराकारी स्टेज बनी है उस निराकारी स्टेज में पहचान करेगी। मुझे नहीं पड़ी, मुझे पड़ी हमारी सोने 70 से लेकर 70 तक मुझे नहीं पड़ी। मुझे इतना बड़ा आघात भंडार है कि वो जो आदि की जिसमें सात्विकता भरी हुई है जो कि कराची में दवा दी गई है क्यों की मुरली, उसका तो अभी पन्ना भी नहीं मिला। अभी मुरली का तो बहुत भंडार है, हमें तो 5 साल की मुरली नहीं मिल रही है सर। 5 साल की नहीं बाबा, जितनी भी मुरलियाँ पुरानी मेरे पास हैं वो 25 जून जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके एक हफ्ते बाद की मुरलियाँ ही माउंट आबू से जो ओरिजिनल मुरलियाँ हैं वही मोहेश्वर भाई के पास हैं, वही मेरे पास हैं और वही जो है सर्कुलेट हो रही है, लेकिन एक भी मुरली मैंने वो डेट नहीं देखी है। हमें वही मैं कहना चाहता हूँ का भंडार इतना बड़ा है कि वो जो पुरानी जो पीओ की वाणी मिलेगी तब व्यक्ति पड़े किसी व्यक्ति के ऊपर और जैसी किताब खुल जाती है उसके अनेक जन्मों की ऐसी किताब खुलने लगे तो उसको कहेंगे अपने जनरेशन का प्रजापिता। क्राइस्ट की जनरेशन है, क्राइस्ट वाली आत्मा संसार में क्राइस्ट के रूप में जब सारे 150 क्रिश्चियंस हैं उसको अपने बाप के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा वो पिता है तो उसके अंदर वो पावर उस समय होगी कि जो उसका फॉलोअर उसके सामने आएगा वो देखते ही नतमस्तक हो जाएगा। हाँ, उसके अनेक जन्मों की हिस्ट्री उसके सामने खुल जाएगी। तो ऐसे 8 प्रजापिता निकले नहीं, नहीं मैं क्या बोल रहा था कि मम्मा के शरीर होने से पहले ये 5 साल की मुरलियां निखित में किसी के पास क्यों नहीं थी? मुरलीश्वर भाई भी जो जिन मुरलियों का गायन करते हैं वो 3.5 साल की मुरली है, एक भी मुरली का कोटेशन 5 साल की मुरलियों को ही क्यों है? अब तो क्राची तक का मान ग्रहण की बात तो बहुत दूर रही, हम तो वो मान ग्रहण करना चाहते हैं जो एकदम शुरुआत कर रहा है। 16 से लेकर जो चित्र बने हैं उसके बाद की जो 5 साल की मेन मुर्गियां हैं वो भी तो नहीं है माउंट आबू, वो एक भी पिंकी नहीं मिल रही उसकी, एक भी हमारे लिए शास्त्र का भंडार हो गया। शास्त्रों की शूटिंग यहाँ कहाँ हो रही है? यहाँ पे वेदवाणी है, ये वेदवाणी का रहस्य किसी ने जान पाया? किसी ने नहीं जाना। तो ऐसे ही हम मुर्गियाँ पढ़ करके कोई रहस्य नहीं जान पाएंगे, रहने वाला देता है तो हमको जान पाएंगे। लेकिन अंत में अगर ये वेद हुए, अगर मुरली वेद हो जाती है तो ये कैसेट पर उपनिषद हो जाते हैं वेदों की कॉमेंट्री, और अंत में गीता ज्ञान आएगा तो गीता ज्ञान किसको कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो भगवान बोलता है वो गीता ज्ञान ज्ञानी, तो गीता ज्ञान किसको बोलेंगे? 76 से गीता ज्ञान अमृत कहेंगे, गीता ज्ञान भी नहीं, 76 से जो निकल रहा है वो गीता ज्ञान अमृत है, उसे गीता ज्ञान अमृत कहेंगे। अमृत माने जो मंथन करके निकाला जाए, नई बात उसे वो है गीता ज्ञान अमृत। हाँ, तो अगर ये 76 से गीता ज्ञान अमृत है तो एक को भी अमर भाव का वरदान क्यों नहीं मिला? अमर माना बेहद में उठाइए पहले, फिर हद में उठाइए। अमर का मतलब है अनिश्चय ना है, आज एक की अवस्था हो गई है तो एक को देखो ना, दुनिया को क्या देखते हैं आप बोले ना, कोई दिखाई नहीं देता है, तो आज पार्टी सिर्फ एक का है, कोई दिखाई देने का पार्ट आज का कुछ दिन बाद आएगा, जैसे 76 में एक का हो गया आज का भी आएगा। बाबा को तो अमरनाथ बोला जाता है ना, तो अमरनाथ को अमर भाव का वरदान कौन सा देगा? अमरनाथ ही तो सबको वरदान देगा ना, तो अमरनाथ ने 30 साल में अपनी सीट से सेट होने के बाद किसी एक को गीता ज्ञान सुनाने के साथ साथ किसी को भी अमर भाव का वरदान नहीं मिला, क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन जाते हैं, वो एक और वो एक मेरे को नहीं मालूम, मैंने नहीं मालूम, ऐसी ढेर सारी बातें तो आपको मालूम है, नहीं मालूम है। अगर अगर राम वाली आत्मा को बोला जाता है तो मैं तो राम वाली आत्मा को प्रसिद्ध समझता हूँ। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा वाली सोल, ब्रह्मा वाली सोल भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं है, जो ये की आदि में माता थी, माता थी वो ब्रह्मा भी माता समझता था, वो ही माँ
उसकी इस समय सबसे जास्ती दुर्गति हुई पड़ी है। इतनी दुर्गति को कोई समझाने भी जाए तो सुनने वाली नहीं। हाँ, तो ये उस ब्रह्मा के लिए लागू होता है कि पतित बनने दिल्ली दिल्ली पतित तो सारी दिल्ली परिस्थान तो सारी तो ड्रामा में नून भी नहीं है अभी होने के बच्चे जब तक वो एक नहीं आते। और उसमें भी दो रूप हो गए, एक गीता पूरा खंडन की हुई है और एक गीता अंत तक अखंड रहती है लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही नहीं है वो शिव की गीता जिसके जिसके दिल के ऊपर शिव की छाप पड़ती है, एक वो गीता जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। दो गीता है तो उस गीता के ऊपर ज्ञान नहीं है, तो विजय माला की है जो छोटी मम्मी है उसके प्रति का आपका उसका ज्ञान नहीं है लेकिन वो शिव की गीता है, प्योरिटी की पावर है लेकिन वो जन जन्मांतर की पावर है। हाँ वो जन जन्मांतर की पावर है लेकिन उसी के लिए एक मुरली में आया है कि एक बच्ची ने इंसान में जाके ये कहा कि शिव का गीता का भगवान कृष्ण है शिव बाबा है उसको फेल कर दिया। तो थ्योरी में तो वो उसके ऊपर लागू होता है वेदांती में भी और प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है तो वो प्रैक्टिकल रूप को पहचानती नहीं है ऐसे क्यों आप कैसे कह सकते हैं दिल के अंदर क्या है और बाहर क्या है। स्त्री का धर्म है जिसके साथ उसने सरेंडर हुआ एक बार सरेंडर हुआ निभाना चाहिए ना। ये अच्छी बात थोड़ी है कि जब हम एक बार सरेंडर हो गए संसार के सामने हमने ये दिखा दिया हम सरेंडर हो गए फिर हमने उनके साथ निभाया नहीं निभाने के मामले जब वहाँ नहीं निभाएगा तो यहाँ कैसे निभाएगा। देखो जब उसको पता पड़ जाए कि शिव बिंदी जिसको मैं पति मानती हूँ वही साकार में बिंदु पति नहीं होता बिंदु को पति नहीं कहेंगे वो तो मानते हैं बिंदु बिंदु वेदांत उसके मानने से क्या होता है असलियत को हमें पकड़ना है हमें पवन को पकड़ाना है। हम तो जानते हैं कि बिंदी बिंदी आत्मा का बाप बिंदी बाप है दूसरा कोई संबंध नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ उनको जिस तरीके से चला रही है उस तरीके से कटेगी मटी और वो उसको तो मूल्य बोल दिया त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है एक घोड़ा है और एक शेर बाकी खत्म हो पकड़ने वाला जब पकड़ लेगा तो जो पकड़ लेगा वही उसको अपनी तरीके से बकरी हो गई विजय वाला भी है और घोड़ा हो गया ब्रह्मा और शेर हो गया रामवलिया तो शेर हो आज में भी कितनी दिखने वाली नहीं यहाँ यज्ञ में भी किसी के सामने दुखने वाली नहीं दो मम्मी हो गए बड़ी तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती इसलिए वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन वेदांति में प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में जब नहीं पहचानती है तो वो अंत में चंद्रवंशी इसीलिए होती है तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती और वो हाँ वो इस संघ में जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तब वो उसको पहचान के आएगी। तो इसका मतलब वो कृष्ण जो है वो शिव बाबा का पति रूप मान के आएगी वो साजन रूप मान के आएगी आएगी नहीं कृष्ण को नहीं मान के आएगी और शिव को मान के आएगी लेकिन देखेगी तो कृष्ण को ना। अरे ये माथे पे लिखा हुआ है कृष्ण या शिव संत और सागर हाँ। तो सन का साक्षात्कार करके आने वाली ना वो जितनी भी वेदांती वेदन ग्रुप है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण को कौन सा कृष्ण शंकर का हो चाहे कृष्ण का हो चाहे नारायण का हो चाहे प्रजापति का हो आपने कृष्ण को देख के आएगी ना शिव बाबा को तो नहीं देख के आएगी शंकर को तो नहीं देख के आएगी शिव बाबा है वही बाबा वही संगम के कृष्ण क्या शंकर ही कृष्ण है जो शंकर है शंकर का संपूर्ण रूप है वही शिव बाबा है। शिव बाबा ही सृष्टि पर सदा कायम है सभी कहानियों से और फिर मुरली में ये बोल दिया कि शिव बाबा की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग शिव बाबा की महिमा अलग वही है तो वो सारी सृष्टि का संहार करने वाला है
वो सारी शक्ति में एक राजधानी स्थापन करके जाता है, थोड़ी राजधानी स्थापन करता है। शिव की महिमा है सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा की महिमा अलग जब बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती शिव की महिमा, सर्वगुण वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, वो सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इस दुनिया में जो अवगुण संपन्न है उनका चक्कर कौन लेगा, लोहा काटा जाता है। शिव बाबा कौन है जिसकी महिमा अलग और कृष्ण कौन है जिसकी महिमा अलग, तो ये कृष्ण कौन है? जब विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है तो वो संपन्न रूप से सदाकाल जी के सत्र रहते हैं, उसको भटकने की दरकार नहीं, फिर गुलजार दादी में जाओ, कहीं कहीं वो बड़ी मंदिर में जाओ, ऐसे उसको दरकार नहीं, दरकार नहीं, वो इंसान तो उसका बच्चा है, बच्चा ना, हाँ तो बंधन में है ना वो बच्चा, इसलिए सब प्रकट होता है इस स्थूल पेट से, जब बुद्ध रूपी पेट में सदाकाल के लिए स्थाई है, तो अभी सदाकाल के लिए स्थाई नहीं है, अभी बुढ़ा दादी को भटकती हुआ बच्चों में भी प्रवेश करती हूँ, जब स्थिर हो जाए तो बच्चा बाप कौन हो गया, उनको क्यों निश्चय पैदा, इस बात का निश्चय क्यों आता है, मुरली में तो बोला है गीता का भगवान शिव है, गीता का साकार साकार रूप में भगवान शिव कौन सा रूप है उसको समझ जाओ, नहीं किसी बात गीता है तो गीता कोई चैतन्य होनी चाहिए ना, कि क्या होना चाहिए, बाबा इसमें साफ लिखा है गीता का भगवान शिव बाबा है, साफ लिखा है वो शिव बाबा, जिसमें लिखा है शिव बाबा वो होता है, अरे वो शिव बाबा को बिंदी समझते हैं, वो कहाँ किताब निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो समझते हैं, अरे तुम समझे हो यार, उनकी समझ की बातें तो सबको अपने पास किताब, उनकी किताब आप क्यों निकालती हो हमारी समझ के लिए, जब तक हमारे अंदर जो चंद्रवंशी ग्रुप है वो उसकी बुद्धि में जब तक ये बात न बैठ गई, गीता का साकार रूप में भगवान कौन है, लेकिन बाबा उनकी बुद्धि में भी तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए तो वो चंद्रवंशी हो जाती है, कौन विजय माला का ग्रुप भी तो बात ही नहीं, हाँ विजय माला तो अभी होने वाली है, वो आधीन होने वालों की वाला है, गाड़ियों की वाला है, ये राजाओं की वाला है। पार्वती माता से बोलता है कि अब मेरा शव बनने का समय आ गया और तू जल्दी मेरे अंदर प्रवेश कर, तो पार्वती बोलती है कि क्या हमारा वियोग का समय आ गया अभी, बोले नहीं बात नहीं कर, बस जल्दी प्रवेश कर, मेरा शव बनने का समय आ गया, ये और शव से मुझे शिव बनना है, तो ये भक्ति मार्ग में बोला, समझ में नहीं आया बाबा, जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे, अच्छा अति न हो, अच्छा अच्छा, तब तक अंत कैसे हो, अच्छा पूरा पूरा शब्द न बनना, जब तक सांप होता है वो जब कैसे चलता है तो वो आखिरी चार में अंदा ही होता है, पूरी दुनिया में नहीं जाता, ये अभी अभी बाबा 8-10 दिन में 15 दिन में देखता हूँ, हाँ सांप अंधा हो जाता है, सांप को दिखाई तो वो जो है चरण जी वो उस पर आँख से नाचता है, वो वैसे मेरा होता है वो सुनाई नहीं देता बाबा, ये सीन जो है ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये डिस्कवरी चैनल पे एक बार पूरे सांप का प्रोग्राम आया, उसने बाकायदा उसको खर्च छोड़ते हुए दिखाया, तो वो एक सीन है जो दुर्लभ है देखने के लिए शेयर वालों में, डिस्कवरी चैनल वाले जागरूक चैनल वाले वो मोर का नहीं दिखाते, मोर का एक प्रोग्राम भी नहीं दिखा रहा वो इतना गुप्त है वो उसको देख ही नहीं सकता कोई, अच्छा बाबा थोड़े फल वगैरह ले आऊंगा फिर, वो नहीं उसी तरह जिस तरह ने एक दिखाया कि हाथी, ये लोगों ने हाथी की मरुभूमि
ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये हाथी जब 70-80 साल का 100 साल का जब भी होता है, इन्होंने देखा है कि ये जब मरने का वक्त आता है कि अपने आप अकेला चला जाता है कहीं, और ये डिस्कवरी चैनल में आज तक वो अंत में बोलते हैं पूरा एक बार हाथी का प्रोग्राम आता कि इनकी मरुभूमि कैसी है और हाथी मरता कैसे है। वो जब ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे कहेंगे कि सारा ज्ञान हमारे लिए चाहिए, सब सब कह देंगे एक आवाज में, एक आवाज से कहेंगे ये सारा ज्ञान जो है वो एस्ट्रोलॉजी से चाहिए। भक्ति से भी बाबा सारा टैली होता है, आप जो भी कुछ बोलते हैं सब भक्ति में आ रहा है, सब आ रहा है, एक एक बात आ रही है, कहाँ से वो निकाल के ला रहे हैं। तो बोला है रामायण गीता भागवत महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन बातों को तुम अभी टैली कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, और वो सब टैली हो रही है बाबा, और लग रहा है कि फादर या कोई भी बाइबल को समझ नहीं पाएगी जब तक वो ज्ञान नहीं है, इतना भी वो बाइबल की बता दी कोई ना, अगर ये क्लियर होता है कि बाइबल एक ज्ञान का अंश है, वो सबसे है और पूरा से ज्ञान का भंडार भी आया, पूरा कर दिया बाइबल देखा है नहीं, वो क्या लिखा पाएगा ज्ञान बाइबल हम समझ सकते जैसा कि पुराण हम समझेंगे, गीता हम समझेंगे, जो शास्त्र बाबा कहते हैं बाबा ले हम ही समझेंगे, मेरा कंफ्यूजन तो बाबा मैं आपकी बात से जब आया भारत के जितने भी पॉइंट्स मैंने मुरली में से निकाले जैसे सारा खेल भारत के ऊपर है, अब सारा खेल भारत के ऊपर है, तो ये कौन सा खेल, प्राचीन काल में वो भारत का रहता नहीं ना, भारत के नाम से तो नहीं रहता ना, तो बाबा तो भेद के ड्रामे की बात करते हैं, नाम नहीं रहता है दूसरा नाम रहता है, लेकिन संगम के ड्रामे की बात बाबा भेद का बात भेद के बच्चों के भेद की बात करते हैं, तो ये भेद के ड्रामे में सारा खेल भारत के ऊपर है, ये कैसे लागू होता है, हीरो के ऊपर सारा सारी दुनिया होती है, लेकिन कौन है हीरो, हीरो वो है जो आदि में था और अंत में था, और ये बीच में 25 साल 42 से लेकर 69 तक वो नहीं था, तो हम सारा खेल नहीं था तो पार्ट पार्ट तो कहीं से बजा रहा होगा कि नहीं बजा रहा, लेकिन भारत के रूप में कैसे बजाया, वो ही भारत है दुर्गति, भारत खाला भारत ये नहीं गिना जाता है कि तो लिखा ही हुआ है, लेकिन भारत का कैसे फॉल हुआ उस सब बैचलर पन में और ब्रह्मचारी पन में, भारत का कैसे फॉल हुआ, आजकल के पढ़े लिखे जो एमए और बीए और पीएचडी पास में जो कुमार होते हैं वो कौन सी स्थितियों से गुजरते हैं हम और आप जानते हैं क्या, लेकिन हमने हिस्ट्री जितनी भी निकाली है, बाबा ने कहा बिगाड़ में जाना मन शादी, हाँ तो भारत शादीशुदा कोई नहीं कहा जाता है, शादीशुदा ढोल मजीरा बजाने वाले कोई शादीशुदा नहीं कहा जाता है, विकार में गिर गया मैंने शादी हो गई, अब जो बी एम ए और पी एच डी करते हैं उनकी क्या गारंटी है, वो विकार में कभी गिरते ही नहीं है, तो राम वाली आत्मा कहाँ विकार में गया, वो तो शादी के नाम से घर से भाग गया, वो एक हमेशा के लिए बंदूक घर पर रख लो, वो एक बात वो अलग होती है लाइसेंस ले लो, और एक वो बात अलग होती है कि ऐसे ही चलो जिंदगी, कम से कम लाइसेंस तो नहीं है, लाइसेंस हो तो दार दार चारों तरफ ऐसे छोड़ता ही रहेगा, तो अथॉरिटी मिली हुई बाबा, शादी के लिए बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, शादी बर्बादी, शादी तो किसी हालत में नहीं करनी, कभी ना कभी आगे नहीं जाए, ऐसे नहीं कि कुमार जीवन में आकर ऊपर नीचे आदमी होता नहीं, आज की दुनिया ऊपर नीचे होता है, ये बात ब्रह्मकुमारी में भरी हुई है क्या, वो तो पाकिस्तान है ही नहीं, उसने सेवा को कैसे आ गया, बाबा कहते हैं जागली पढ़ाई, अरे जागली पढ़ाई नाम दे दिया, वो पाकिस्तान है ही नहीं, पाकिस्तान ऐसे बनता है सबसे जाति जो सबसे ज्यादा सिनेमा देखता है और सबसे ज्यादा उपन्यास होता है, जो मुरली ने बताया है सबसे ज्यादा नीचे गिराने वाली चीज है वाइफ को और ये उपन्यास, रामवाली स्कूल ये पढ़ता था आपने,
वो पीएससी की पढ़ाई करने वाला ऊपर नहीं आता बाइस को कैसे पहले नहीं पढ़ सकता। हमने जो रिसर्च किया कंपनी गांव से उसमें सब गांव वाले ने बोला है कि इतना सीधा व्यक्ति हमने जिंदगी में नहीं देखा, आप लोग उसको पचित काम नहीं करता कैसे कह सकते। जब तोहमत लगाई गई और गांव में से पकड़ करके वहाँ ले जाने लगी फिर किसी ने अपोज किया अंदर एक और बाहर दूसरे होते। अगर ऐसा ही होता उनकी दृष्टि में सच्चरित्र व्यक्ति होता तो इतने दिनों से वहाँ 18-20 साल से आश्रम खुला हुआ है और तो कितने साल हो गए 25 साल हो गए वहाँ आ सकते लेके नहीं जाएंगे। सच्चा आदमी है सही आदमी है आखिर कोई सही रास्ता ही अपनाया होगा जहाँ के समझे तो कम से कम नहीं निकल रहा है। लोगों की लोग अंदर एक होते हैं बाहर दूसरे बोलने के लिए आप दूसरी बात बोल रहे हैं अंदर होते हैं अरे तो क्या क्लियर नहीं कर सकता तो जब टाइम आएगा कोई आता है आराम रचना अगर रचयिता राम है तो किसकी बननी ये कैसे बन जाता है तो बात समझने की है कि वो आत्मा है जब रचयिता रचना हो जाती है प्रजापति का ब्रह्म रचना। आत्मा पुरुष है या स्त्री है पुरुष है जब आत्मा पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए कि नहीं बिल्कुल चाहिए तो पांच तत्वों का छोड़ना चाहिए कि नहीं ये तीनों को वो ऑक्यूपाई करता है नए प्रकृति का प्रकृति को अधीन कर दिया तो वो प्रकृति का चोला कौन जिसको वो आधीन करके पहले पहले आया राम। लेकिन ये बिंदी मैं बोल कैसे सकता है शरीर में आकर के बोलता है तो शरीर में आके कब बोलता है उसे कब बंदी बनाई फिर आदि में और ब्रह्मा को प्रवेश किया तब क्या बनाया उसको 47 में तब उसको दूसरी बंदी बनाई चार चार बंदी बनाता है बावन बोला है कि भारतवर्ष में एक दूसरी जोड़ता है दूसरी लेता है तो कहते एक दूसरी लेता है बोला ये बोला है बोला दो पत्नी थी धोती पहन पता है तो पहली वाली दूसरी ब्रह्मा वाली तीसरी वापस राम वाली और चौथी को बताते चौथी अभी आने वाली नहीं है बगैर प्रवेश बगैर प्रवेश विजय बोलते एक होता है मनु जी से प्रवेश दुनिया में शादियाँ होती है शादी होने के बाद कन्या जो है वो पति की तरह भी से हो जाती है एक ही क्या कारण है बराबर बात क्या पति की आत्मा उसको प्रवेश कर जाती है उसकी बंदुक लग जाती है दिमाग उसमें रम गया दोनों में एक दूसरे में रम जाते रचयिता आपने बोला फिर राम है राम रचयिता कृष्ण बच्चा हो गया रचना तो रचना का आदि मध्य अंत क्या हो गया आदि का आदि है रचना मध्य है राधा अंत है फिर दादा नहीं है हाँ तो ये फिर राज कहाँ रहा ये तो ये राज तो बेसिक वाले भी जानते हैं राज ये राज ही तो बेसिक वाले नहीं जानते हैं उसका बाप कौन है लेकिन बेसिक वाले वो रचना जो प्रश्न है जो पति की आदि में प्रश्न होता है उसका बाप कौन है रचयिता हाँ लेकिन वो बेसिक वाले नहीं जानते लेकिन रचना का तो राज जानते हैं रचना का आदि क्योंकि बेसिक वाले भी वही जानते हैं रचना का आदि मध्य नहीं जानते हैं रचना को रचना को अगर पूरा जानेंगे ये भी जानेंगे इसको रचने वाला कौन है वो रचयिता को जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक रचना को पूरा जाना ही नहीं ये व्यक्ति सूर्यवंशी है सूर्यवंशी है तो सूर्य को जानना भी जरूरी है जरूरी बाप को जानना भी जरूरी है कौन सा खून है क्या है इसकी तो ये तो वो ब्रॉड ड्रामे की बात बेहद के ड्रामे में तो शूटिंग पीरियड में रचना का आदि मध्य अंत क्या है आदि में वो
साक्षात करने वाला ब्रह्म है, ब्रह्मा मध्य मध्य में आकर के राजा विक्रमादित्य ने सेवा केंद्र स्थापन किया। अच्छा, तो वो दादा लेखराज जी फौजी तरह में दादा लेखराज रचना पाली सेवा केंद्र किया, वो उसका मध्य और उसका अंत तो इसका वो क्या हुआ फिर पूरी परिवार का काम अभी हो रही है ना, अभी भी तो चल रहा है शादी मध्य अंत का राज अभी भी तो सुखी चल रहा है, खत्म ना होगा दूसरे शरीर से काम कर ही रहा है वो ये हो गया मध्य ये तो मध्य ही चल रहा है ज्यादा लेकर हो गया आदि सुखी शरीर के साथ हो गया मध्य तो अंत में क्या होगा फिर अंत में वो बिंदी हो जाएगा कृष्ण बच्चा बने जब तक जिंदगी बनेगा नहीं तब तक वो बुजुर्ग की पेट से निकल करके नहीं करेगा अंत में बिंदी बोलेंगे फिर सारा बिंदी का पहला बच्चा है बोलो फिर उसका पुरुषार्थ क्या है राम जी आत्मा पक्षीदर्श की पुरुषार्थ मंत्र सेवा और याद एक नंबर की याद किसकी है और एक नंबर की मंत्र सेवा किसकी हो गया जो बात ब्रह्मा के लिए लागू होती थी कि पति से पावन तो कोई नहीं बना वो बात है अभी लागू होती है पति से पावन तो कोई नहीं बना रामा में नूंद ही नहीं है अभी नहीं नहीं नूंद है अभी 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 भी नूंद है ये बोलते अभी किधर है तो एक ही है ना अभी है एक ही है नहीं एक नहीं है नंबर वार आठ जो बंद है नंबर वार है हाँ लेकिन कोई समय लेकिन बाबा इनको कहने वाले थे एमबीबीएस बनने में कितने साल लगते हैं चलो सात आठ साल आप तीसरे साल में बोल सकते हैं ये एमबीबीएस नहीं बनाए चौथे साल में बोल सकते हैं नहीं बनाए वो तो प्रक्रिया है आठ नौ साल की और ये तीसरे साल में उसको बनाना चाहते हैं दिखते नहीं इसलिए बोलते मानने को तैयार नहीं ये वाली बात हो गई वो बन रहा है जैसे आठ बन रहे हैं एक बन गया एक सौ आठ बनेंगे तो हर एक का एक समय है तो ड्रामा में नून वो है उसके पहले हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज क्यों नहीं है ये आज भी है जो मन बुद्धि से एक्यूरेट पार्ट बजा रही है उनके अंदर कोई संकल्प नहीं आ रहा है अनिश्चय का दिखाई नहीं दे रहा हाँ अनिश्चय है ही नहीं नाम निशान नहीं है तो प्रश्न पैदा नहीं होता हमें दिखाई नहीं देते इसलिए हम कहते हैं कि हो ही नहीं ये हमारी बहुत सारी हो जाए पैदा न होना मानो मृत्यु मृत्यु से परे होना ही ठीक है नंबर बार जी है नंबर बार है नंबर बहुत परे इसके अलावा जब नंबर बार है इसके अलावा जब नंबर जैनियों ने ये छोरी लागू की है जो भारतीय परंपरा से अलग हटकर की छोरी है हाँ जो साकार है चाहे वो आदिनाथ है चाहे वो महावीर है चाहे कोई विमलनाथ है या कोई दूसरा तीर्थ शंकर है बस वो ही भगवान भगवान अलग ही पूछ गड़बड़ हो गया और वो अपने भारतीय परंपरा में आज भी सब हल्के फूलते और बड़े अच्छे सिखाई पड़ रहे हैं।
सबसे ज्यादा जैनी पैसे वाले हैं भारतवर्ष में। जैनियों की संख्या भले कम है लेकिन सब पैसे वाले फले फूले इंडियन जू बोलते हैं उनको इंडियन। उस धर्म का जिक्र बाबा ने किया ही नहीं। इसका कारण क्यों फले फूले आए फले फूले है पैसे वाले आए इसका कारण क्या बाबा? हम भी है ना बाबा वास्तव में जैन हम ही है जैन माने इंद्रियों को जीत लिया उसके फॉलोअर है माने बाप जो है अपने फॉलोअर को उतना सुखी बनाता है जितना खुद नहीं सुखी होता। बाप अपने बच्चों को इतना सुखी बनाता है इतना खुद नहीं सुखी होता है अपने बच्चों को जाती है अपने से ज्यादा ऊपर रखता है। तो हर बाप का है बाबा? नहीं हर बाप का है लेकिन वो तो उतनी स्टेज पर पहुँच ही नहीं पाते। तो हर की जैनी ने कभी क्या कभी किया कि अभी वो फली फुली थे वो अलग से कोई धर्म नहीं है बात तो हमारा ब्राह्मण धर्म है वो ही जैन धर्म है। ब्रह्म कुमारी हो गए श्वेतांबरी और हम हो गए ब्रह्मा को करने वाले श्वेतांबरी और फॉलो करने वाले जैन हो गए ना दिगंबर के मंदिर नीचे ऊपर श्वेतांबर मंदिर नीचे कहीं भी देख लो जाते जैन परम्परा कंपिल में देख लो दिगंबर मंदिर ऊंचाई पर है नंगी मूर्तियाँ रखी हुई है काली मूर्तियाँ रखी हुई है और सफेद मूर्तियाँ सारी नीचे रखी हुई है श्वेतांबर मंदिर की बात हुई झाड़ के चित्र में नहीं दिए जैन अलग से दिखाया नहीं बाबा आपने बोला शिव बिंदी भगवान हो गया फिर वही उसके पास भाग है ही नहीं भगवान कहाँ से हो गया तो निराकारी वाला तो निराकारी धनवान कहा जाता है जैसे कहा जाता है धनवान तो जिसके पास बहुत धन है वो धनवान भगवान कृष्ण को कह दिया वास्तव में कृष्ण की बात ही नहीं कृष्ण की पीछे बात ही नहीं बाबा ऐसा ये हो गया जैसा दूध है भगवत भागवत तो कृष्ण के पीछे भक्ति मार्ग ज्ञान किसके पीछे बागी उधर एक लोगों ने बता दिया कि दादा लेखराज जी पीछे वास्तव में दादा लेखराज जी पीछे थोड़ी भागी प्रजापिता के पीछे भागी अंत में जो भागवत होगी अंत में भी आदि में भी हो रही आदि में तो अधूरी भागवत होगी आदि भी उससे ज्यादा भागवत आगे हो रही लेकिन उससे ज्यादा भागवत तो अंत में होगी तो अंत उससे भी ज्यादा अंत में होगी अंत में होगी जब विजय माला अपने महल छोड़ के आई रानी जानी मर्ती भागी तब वो अच्छी भागवत होगी बड़ी भागवत होगी सबसे बड़ी भागवत होगी उसी का गायन है शास्त्र में संपन्नता का है लेकिन उन रावण ऋषि मुनियों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जो रात हुई नहीं है पूरी अभी रात ही चल रही है लेकिन सितारों की स्थिति देख करके जान जाते हैं क्या होने वाला सूर्य पूजा होने वाला है और इतने घंटे की बात उन्हें पक्का पता चल जाता है घंटा मिनट सब बता देते हैं ऐसी यहाँ भी ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको पक्का पता चल जाता है पक्का जिसके बैठ जाता है कि अब है प्रत्यक्षता में देरी नहीं है अब उदय हुआ नहीं है अब जितना ज्यादा टीका हो सके उतना ज्यादा बुद्धि का प्रसार करो अभी रुकने का टाइम नहीं है जो बाजी लगानी हो तो लगा दो भी ऐसे हुआ लगाने वालों ने पूरी बाजी लगाई अरे आप तो बिना होने वाला है संकीन हो गए बहुत से तो वो बिल्कुल भिखारी जैसे लुट गए बाबा लोग लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट भी गए लुटने के बाद ही तो लुटते हैं खास कहते हैं अपने फॉलोअर्स को अपने जैसा बना देता है भी नहीं रखी
संगठिया बना देगा बाहर बच्चे सब ले शंकराचार्य की जो पार्वत बनते हैं वो सब लंगूठिया बना देंगे दे भाई समझ लो बराबर बात तो मंदिर में आए ना कोई धंधे नहीं चलेगा जिंदगी हो जाएगा हर जिंदगी होते जा रहे हैं बाबा हाँ जी जी काम कर बैराग आता जाएगा जिंदगी होते बाबा जी निरंकारी निराकारी और निर्विकारी ये टाइटल किसको दिया जाएगा शिव बिंदी को दिया जाएगा या राम की निराकारी सिद्धि को दिया जाएगा अहम जो शब्द है अहंकारी वो अहम शब्द आत्मा के लिए बोले